नमस्कार न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर खबर जयपुर से जहां 22 अक्टूबर 2023 भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए विशेष तौर पर तैयार करवाए गए मीडिया सेंटर का शुभारंभ आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने फीता काट कर किया इस मौके पर प्रदेश प्रभारी एवं सांसद अरुण सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक अनिल बलूनी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला व मीडिया विभाग के संयोजक प्रमोद वशिष्ठ उपस्थित रहे इस दौरान मीडिया सेंटर के शुभारंभ मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को नवरात्रा और दुर्गाष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि राज्य से अब कांग्रेस सरकार की विदाई तय हो चुकी है उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की है प्रियंका गांधी कांग्रेस के बड़े नेता होने के साथ प्रकार जनता के सामने मंच से झूठ बोल रही है यह कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति है कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है नारियों की रक्षा में नाकाम रही और किसानों व युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है ऐसे में इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वह 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है राज्य के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी पर विश्वास है भाजपा पर गांव, गरीब किसान महिला सभी को विश्वास है भाजपा ने अपनी अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है लेकिन कांग्रेस खेमे में अभी भी असमंजस का माहौल है कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं बल्कि भाजपा के पास पीएम नरेंद्र मोदी के जैसा चेहरा है